गाइस कैसे आप लोग, मैं हूँ तो करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो यार आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे एक यूट्यूबर डीमोटिवेट हो जाता है, और जैसे कि शायद मैं हो गया हूँ। तो कहाँ से शुरू करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा सच बात बोलूँ तो। पर हाँ, सबसे पहले तो मेरी आवाज़ को इग्नोर करना क्योंकि मुझे हो चुकी है गंदी वाली सर्दी। बाकी लोगों को खुशी में आँख से पानी आता है और मुझे नाक से पानी आ रहा है। पर हाँ, मैं खुश तो बहुत हूँ और साथ में बीमार भी। सॉरी सॉरी सॉरी, बस वो लाइन अच्छी लग रही थी तो मैंने बोल दी। बाय द वे, तुम लोग भी इसको कमेंट सेक्शन में कंटिन्यू कर सकते हो, जिसका बेस्ट होगा हम उसको पिन कर देंगे, स्वाहा। खैर मजाक मस्ती तो बहुत हो गई, अब थोड़ी मेन बात पे आते हैं। तो कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाली थी तुम लोगों से रिक्वेस्ट करते हुए कि मेरे 1K कंप्लीट करवा दो। उस टाइम पे मुझे सिर्फ 20 सब्सक्राइबर चाहिए थे। मैं फिर से बोलता हूँ, मुझे सिर्फ 20 सब्सक्राइबर चाहिए थे एंड मैंने वही करा। मैंने तुम लोगों से बोला कि मेरे 20 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो एंड तुम लोगों ने ये करा। तो 1116 फैमिली मेंबर्स। तो बताओ क्या ही बोलूँ अब मैं। पर अब मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मेरे कभी 1K भी होंगे, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैंने एक्सपेक्ट करा था। मुझे कहीं ना कहीं पता था कि आज जो मैं जितना भी अपना टाइम इसमें दे रहा हूँ, इसका कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो मुझे ज़रूर मिलेगा। एंड येस, मुझे मिला, मुझे मिले इससे आप सब लोग। एंड मैं इसीलिए इतना खुश हूँ। मैं इसलिए इतना खुश नहीं हूँ कि हम लोगों ने 1K कम्प्लीट करे, मैं इस बात से खुश हूँ कि मेरे पास अब आप लोग हैं, मेरे पास एक ऑडियंस है जो कि अब रिव्यू देगी मुझे कि मेरे कॉन्टेंट को लेकर कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे बाकी लोगों का नहीं पता, पर हाँ ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है एंड मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी समझता हूँ। और इसीलिए अब से मैं ट्राई करूंगा ज्यादा रेगुलर होने की और अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों को देने की। बस इन रिटर्न मैं आप लोगों से बस आपका सिर्फ सपोर्ट चाहता हूँ, मुझे गाइड करो अगर मैं कहीं गलत हूँ, और ऐसे ही हम सब लोग साथ में ग्रो होंगे। हाँ तो अब बात कर लेते हैं फेस रिवील के बारे में। तो जैसा कि मैंने बोला था कि 1K होने के बाद मैं करूंगा एक फेस कैम वीडियो एंड मैंने बोला था, तो हाँ मैं करूंगा। हाँ तो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी फेस कैम वीडियो एंड उस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि हम लोगों ने कैसे 1K सेलिब्रेट करा, किन लोगों के साथ सेलिब्रेट करा। ये वाली वीडियो तो बस मैंने आप लोगों को थैंक यू बोलने के लिए बनाई थी क्योंकि उस वीडियो में एडिट होने में टाइम लगेगा, ज्यादा नहीं पर हाँ 3-4 दिन तो उसमें लग जाएंगे। तब तक के लिए तुम बाकी वीडियो देख सकते हो जो चैनल पे हैं, या फिर तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। ऑफकोर्स मैं सबके रिप्लाई दूंगा ही, तो हाँ तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, सबके रिप्लाई दूंगा। बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब राजे और महाराजाओं ने खेली अपनी पारी, मैं बस खड़ा यहाँ चुपचाप बेटे देखूं अपनी बारी। ना बहुत हार्ड ना फुल पावर ना बहुत ज्यादा क्रेजी, मैं वो सीधा साधा बंदा जिसने सबकी कह के मारी।